ये देखिए, ये कढ़ी बनाई है, इसमें सहजन की पत्तियाँ पड़ी हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं ये सहजन की पत्तियाँ। ओमेगा 3 से लेकर विटामिन ए, बी 12, कोई ऐसा विटामिन, प्रोटीन इसमें नहीं है जो सहजन की पत्तियों में नहीं पाया जाता है। हरी सब्जियों में और जितने साग मिलते हैं उन सबसे ज़्यादा लाभकारी ये सहजन की पत्तियाँ होती हैं। कई जगह इसको सहजन की पत्तियाँ बोलते हैं, साउथ में ड्रमस्टिक लीव भी इंग्लिश में बोलते हैं, मूंगा साग बोलते हैं आसाम वगैरह में, और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। गठिया, बाई, कैंसर, लीवर, किडनी, हार्ट, हर चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। कुपोषित बच्चों को जिनमें ब्लड की कमी है, कुपोषण की कमी है, उनको तो लगभग किसी न किसी रूप में सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, रोटी पराठे में डाल के उनको खिलाएं, वृद्धों बुजुर्गों को दें, सबको खिलाएं, और इसका असर एक महीने में ही देखने को आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये मैंने इसमें कम से कम 1-1.5 मुट्ठी कटा हुआ महीन मूंगा साग डाला था। अब ये इसमें ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने हरी धनिया या पालक काट के डाला है। ये देखिए, और इसका स्वाद भी आपको एकदम पालक जैसा ही मिलेगा। इसका बिल्कुल भी कसैला स्वाद या इसका कोई दूसरा स्वाद नहीं होता है। जिस सब्जी में आप डालेंगे, दाल में डालेंगे, कढ़ी में डालेंगे, ये उसी स्वाद को अपना लेता है। आप YouTube में भी इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, आयुर्वेदा वाले YouTube चैनल में भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सहजन का पूरा वृक्ष अपने आप में पूर्ण आयुर्वेद औषधि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए, बनाएं, अपने परिवार में खिलाएं और इसका लाभ लें। बाज़ार में नहीं बिकता है, सड़क सड़क बहुत जगह सहजन के पेड़ लगे हैं, फ्री में मिलेगा, तोड़ के लाएं और बनाएं, लाभ लें इसका। धन्यवाद।